हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं राजस्थान के शहर बीकानेर में हूं। डे वन की शुरुआत जूनागढ़ फोर्ट से। मेरे साथ गाइड खड़े हैं, ये हमें फोर्ट घुमाएंगे। जी, राजस्थान में आपने बहुत से फोर्ट किले देखे होंगे, लेकिन बीकानेर का जो किला ये जूनागढ़ फोर्ट सभी किलों से अलग है, क्योंकि ये ग्राउंड बेस पे बना हुआ है और 16 महाराजाओं ने इसको बनाया है। 350 साल लगे इसको बनने में। जो ये मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर 16 अलग अलग रूम्स हैं, जिनमें से कुछ कमरे विशेष हैं, इनको आपको मैं बताता हूँ। ये है कर्ण महल। हर एक महाराजा का कोरोनेशन होता था। ये अनूप महल है, यहाँ पे 80 किलो सोने से पेंटिंग वर्क है। ये होली चौक है, जहाँ पे राजाओं को होली खिलाई जाती थी। और गज मंदिर जो देख रहे हैं, शीश महल भी बोला जाता है इसको, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए हवाई जहाज़ और महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस, जो कि ये बीकानेर के इम्पोर्टेंट महाराजाओं में से एकमात्र महाराजा है। इनका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश आर्मी ने इनको ये प्लेन एज ए गिफ्ट, एज ए सेवोनियर दिए हुए हैं। म्यूजियम में काफ़ी कुछ है देखने के लिए, आप यहाँ पर स्पून मिस नहीं कर सकते। इसका डिज़ाइन देखिए, ऊपर एक पॉइंटेड अटैचमेंट है महाराजा की, क्योंकि मूछें थी, सूप पीते समय सूप उनकी मूछों में ना लगे, इस रीज़न की वजह से उन्होंने इस डिज़ाइन का चम्मच अपने लिए बनवाया। जूनागढ़ फोर्ट विजिट करने के टाइमिंग से सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। एंट्री फी 50 रुपीज़, जिसमें गाइड कॉस्ट ग्रुप के अंदर इंक्लूड होती है। एक्सक्लूसिव गाइड के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो 350 रुपीज़, वीडियोग्राफी 150 रुपीज़। फोर्ट पूरा घूमने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय चाहिए। हमने बहुत इन्जॉय किया, ऑलमोस्ट हमको 2 से 2.5 घंटे लगे पूरे किले को घूमने में। धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आप मीठे के शौकीन हो तो बीकानेर सर्दियों में आओ। दाल हलवा, गोंद पाक, गोंद हलवा, मेथी हलवा और भी बहुत सारी स्वीट में वैरायटीज मिलती हैं। अंदर चल के इनसे फाइंड आउट करते हैं अभी क्या स्वीट में अवेलेबल है। मेरे पास इस समय 3 तरह के लड्डू हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, ये है पंधारी के लड्डू। आटा इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। इसका नाम है सुरशाही लड्डू। उड़द दाल का इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। इसका नाम है चाशनी पेठा। मावा और चाशनी से ये मिठाई तैयार की जाती है। वेरी गुड क्वालिटी, अच्छे से घी, मजा ही मजा। ये मिठाई गर्मी की मिठाई है, जो तीनों आप देख रहे हैं। सर्दियों में मिठाई बदल जाती है, दूसरी मिठाइयां आ जाती हैं। टेस्ट अच्छा है बट लोडेड विद लॉट ऑफ घी। मीठा परफेक्ट है, बहुत स्मूथ मिठाई है, टेस्ट एकदम डिफरेंट है। उड़द दाल तो समझ में नहीं आता है, अनलेस एकदम आदमी समझता हो कि उड़द दाल किस तरह से मीठे में टेस्ट करेगी। तीनों चीज़ें मैंने जो खाई हैं मिठाई में, तीनों का टेस्ट एकदम अलग है। ये चीज़ बनी है मावे से, मावे से इस तरह का शेप दे के मुझे बताया इन्होंने, चाशनी में डिप कर देते हैं, बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट। मतलब बीकानेर की मिठाई तो मतलब बड़ी जबरदस्त वैरायटीज है। राजस्थान जहां एक और हवाओं में भारतीय संस्कृति की महक है, वहां दूसरी ओर धार्मिक मान्यताएं। इस समय हम बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर करनी माता मंदिर के मंदिर परिसर में हैं। इस मंदिर में आपको हजारों चूहे देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है करनी माता की बहन के छोटे पुत्र लक्ष्मण की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। करनी माता ने तपस्या कर यमराज से अपने लाडले पुत्र को पुनः जीवन दान देने की मांग की। यमराज ने करनी माता के पुत्र को जीवन दान दिया, लेकिन मनुष्य का नहीं चूहे का रूप देकर। ऐसा माना जाता है करनी माता के वंशज चूहे के रूप में जन्म लेते हैं।
जब आप नंगे पांव मंदिर के अंदर जाएंगे, अगर कोई चूहा आपके पांव के ऊपर से गुजर जाए तो इसको शुभ माना जाता है। इन हजारों चूहों में अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं। इस मंदिर में माथा टेक कर हम 2 किलोमीटर दूर करनी माता के एक और मंदिर में भी गए। हमने वहां पर भी माथा टेका, करनी माता का आशीर्वाद पाया। अगर आप बीकानेर आते हैं तो आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम बीकानेर में एक दिन का था। यहाँ की मैं कचौड़ी मिस नहीं करना चाहता था, ना ही नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। इस रीजन की वजह से हमने अपने प्रोग्राम को एक दिन एक्सटेंड किया और बीकानेर में 2 दिन रुके। चाय पट्टी बीकानेर में आज सुबह का नाश्ता कचौड़ी। हम यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं कचौड़ी तैयार होने के लिए जूनिया महाराज पे। जब तक भैया ये रेडी हो रही है, थोड़ा मसाले ही टेस्ट करा दो। बिल्कुल लीजिए, ये देखो आप। मसाला इतना टेस्टी है तो कचौड़ी कितनी स्वाद होगी। सूखा धनिया, हींग और लौंग। अभी तक मैंने राजस्थान में जो कचौड़ी खाई उसमें सब्जी साथ में नहीं रहती, चटनी नहीं रहती, लेकिन यहां पर आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म कचौड़ी अभी मेरे सामने निकली है तैयार। ये हो गया मसाले के साथ पहली बाइट तैयार। बड़ा बढ़िया दिन का शुरुआत हुई है। मैंने देखा यहाँ पर मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाला तो मैंने पहले टेस्ट कर चुका हूँ। आलू की सब्जी नहीं भी डालेंगे तो भी टेस्ट अच्छा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दही जिससे ये लस्सी तैयार की गई है। कचौड़ी के बाद लस्सी, बहुत मजा आ रहा है। ये जगह अच्छा ब्रेकफास्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर हाइजीन इश्यूज हैं। मैंने 3-4 दुकानदार को मिलकर बात करी, काउंसिल किया। स्पेशली जहां पर हमने कचौड़ी खाई, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है आपको विद इन 24 आवर्स चेंजेस देखने को मिलेंगे। भाई साहब एक रसगुल्ला दे दीजिए। थैंक यू। रसगुल्ले का आप टेक्सचर देखो, कितना खूबसूरत है। ये रसगुल्ला ना मज़ा आता है जब स्पॉन्जी होता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनके पास एक वैरायटी और भी है जिसमें मीठा ज़्यादा होता है और स्पॉन्जी नहीं रहता, वो टाइट रहता है। ये रसगुल्ला देखो, ऐसा अपन दबाएंगे तो वापस ऊपर आता है। दूध को फाड़ के रसगुल्ला बनाया जाता है। इसके अंदर मीठा मॉडरेट लेवल पे है, टेस्ट मज़ेदार है। वैसे अगर रसगुल्ले का जिक्र करो तो कोलकाता का काफ़ी नाम ध्यान में आता है, और कोलकाता भी मुझे जाना है और वहाँ मैं रसगुल्ला तो पहले दिन ही खाऊंगा आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। इस समय आप जो सामने देख रहे हैं ये रामपुरिया हवेली है। बाहर से बिल्डिंग का आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है, देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम हिस्ट्री में चले गए। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाहर से ही देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पता लगाया सुपारी बाज़ार है यहाँ पर बड़ा बाज़ार के अंदर, जहाँ की सुपारी बहुत फेमस है। 10 से 12 मिनट हमें पैदल जाने में लगेंगे, अब हम वहीं जा रहे हैं। बड़ा बाज़ार ओल्ड सिटी का पार्ट है, यहाँ पर सुपारी की काफ़ी सारी शॉप्स हैं। किसी रीजन की वजह से आज ये मार्केट बंद है। भैया आपके पास सुपारी में कितनी वैरायटी अवेलेबल है? मेरे पास सुपारी में 20 तरह की वैरायटी अवेलेबल है, जिसके अंदर ये सुपारी मीठी भी होती है, फीकी भी होती है, असम के अंदर भी होती है और बॉम्बे के अंदर होती है। यहाँ असम से जो सुपारी आती है यहाँ पे उसको मीठी भी बनाया जाता है। अच्छा। और उसके अलावा आप फीकी सुपारी भी यूज कर सकते हो। मीठा सुपारी दिखाएंगे? हाँ, यस, टेस्ट करो आप।
इलायची इलायची भी बढ़िया। इसका रेट क्या है? ये 1200 रुपए केजी है। दही बड़ा हम लोग बहुत जगह खाया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने, लेकिन इतना बड़ा वड़ा पहली बार बीकानेर में आके मैंने देखा। इन्होंने ये भल्ले के ऊपर एक मसाला डाला जो इन्होंने बताया जीरा मसाला है, और उसके ऊपर काफ़ी सारा दही। इन्होंने बताया ये भल्ले को बनाने के लिए मूंग और उड़द दाल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सिंपल टेस्ट है, दही की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, भल्ला बहुत सिंपल है, क्योंकि ऊपर जो मसाला डाला है वो लार्जली जीरे का टेस्ट दे रहा है, जीरे को भून भून के मसाला बनाया, ना किसी तरह का मीठा, ना किसी तरह की खट्टी मीठी चटनी अंदर ना। अभी मैंने नोटिस किया ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया है इस वड़े के अंदर। गुड, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली आप इसका साइज तो देख के मैं हैरानी हो गया, और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मैंने नोटिस किया काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। वेरी फेमस प्लेस फॉर दही वड़ा। मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग दही के साथ मोठ की पकौड़ी डलवा रहे थे, मैंने भी थोड़े पीस डलवा लिए दही के साथ। ये भी देखो स्वाद है यहाँ का, बड़ा दही और इस तरह की पकौड़ी, व्हाट अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, मजेदार। दुनिया भर में बीकानेर की पहचान बीकानेर के भुजिया से है। इस समय हम एक फेमस भुजिया शॉप में जा रहे हैं, वहां से मैं अपने घर के लिए भी भुजिया पैक करवाऊंगा। रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर काफी फेमस ये शॉप है भुजिया के लिए। इनके पास ना काफी सारी भुजिया और नमकीन की वैरायटीज हैं। भाई साहब मैं एक दो वैरायटी टेस्ट कर सकता हूँ? अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका नाम करोड़पति है। करोड़पति भुजिया, मोटा भुजिया बोलते हैं करोड़पति। अच्छा, वेरी गुड। इसका मेन प्रॉपर भुजिया ये है, और ये तीन नंबर बोलते हो आप इसको? थोड़ा ले लूं मैं? पते की बात बोल रहे हो? वेरी टेस्टी, एकदम डिफरेंट चीज है, खाते ही ना हल्का हल्का लौंग का एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। वेरी नाइस। मेन आपका ये अति उत्तम भुजिया, खाओ, चाय पियो, एंजॉय करो, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस टाइम चाय नहीं पी सकते, लेकिन वैसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। थैंक यू, बड़ा मजा आया। ये टेस्ट जो है ना भाई साहब, हम लोग भुजिया तो अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन ये दोनों चीज का टेस्ट है यहाँ बीकानेर का टेस्ट एकदम अलग है। इन्होंने पूरा ये डब्बा रख दिया है, कह रहे हैं आप सारे टेस्ट कर लो, फिर डिसाइड कर लो आपको कौन सी लेनी है। टेरिफिक, जितनी भी तारीफ कर लो ना बीकानेर की भुजिया की, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी टेस्टी चीज है ये। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 वैरायटी ट्राई कर ली है, और वाकई इतना मजा आया ना, मैं सारी की सारी जो मैंने ट्राई करी हैं सबके आधा आधा किलो के पैकेट लेने वाला हूँ। अपने घर के लिए और टीम के लिए हमने 10-12 पैकेट ले लिए हैं, तो भैया उसका बिल बना दीजिए। बीकानेर से 10 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। यहां पर मैंने देखा 327 कैमल्स हैं, 4 ब्रीड्स हैं। ये सेंटर में बेसिक काम होता है मिल्क पे रिसर्च करना, कैमल को किस किस्म की बीमारियां होती हैं उस पे रिसर्च करना और उसके सॉल्यूशन निकालना। मैंने यहां पर पढ़ा जब ऊंट का जन्म होता है तो उसका वजन 30 से 40 किलो होता है, और एक एडल्ट कैमल का वेट 500 से 700 किलो तक होता है। मेरे को किसी ने बताया यहाँ पर कैमल बर्थ के बाद 2 घंटे बाद चलना शुरू हो जाता है, ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ है।
यहाँ पर आके हमने जब देखा झुंड में ऊंट आए और उन्होंने पानी पिया, नज़दीक से उनको देखना हमारे लिए बड़ा ही लाइफ टाइम और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। अगर आप यहाँ पर कैमल मिल्किंग देखना चाहते हैं तो उसका समय है दोपहर में 3 से 4। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें कैमल के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। कैमल मिल्क विदाउट एनी फ्लेवर। कैमल मिल्क मैं पहली बार पी रहा हूँ। पहली बात लाइट है, देखने से भी लग रहा है ऐसा। दूसरी बात इसके अंदर हल्का हल्का सा ना नमक की फील आ रही है, सॉल्टी सा टच है। गुड एक्सपीरियंस। कॉम्प्लेक्स के बाहर ही ये कैमल मिल्क प्रोडक्ट्स की प्राइसेस लगी हुई है। मिल्क तो हमने पी लिया है 20 रुपीस। अभी लेंगे कुल्फी 40 रुपीस। केसर फ्लेवर में कुल्फी है, प्लेन में कुल्फी नहीं होती। कैमल मिल्क का इस्तेमाल। कुल्फी खाने से इतना तो अगर नहीं भी पता होगा ना तो समझ आता है कि नॉर्मल जैसे काउ मिल्क से कुल्फी बनती है जो वो नहीं है, डिफरेंट टेस्ट। जैसे दूध में वो सॉल्टी फीलिंग आ रही थी वैसे कुल्फी में एहसास नहीं हो रहा, शायद केसर की वजह से। बट यस, मज़ेदार और न्यू एक्सपीरियंस। 2 बजे से 6 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। यहाँ पर आप फी भी देख सकते हैं, 50 रुपीज़ एंट्री, कैमरा फी 100 रुपी, फोटोग्राफी स्टिल अलाउड है, राइडिंग करने के लिए 100 रुपीज़ कैमल पे और कार्ट पे राइड करने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन। कुल्फी कितनी स्वाद लगी है कि मैंने अपने लिए एक और ले ली। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप नहीं भी जानते कैमल मिल्क से कुल्फी है तो आप खाने के बाद ना टेस्ट में डिफरेंस महसूस तो ज़रूर करोगे। अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो टेस्ट को एनहांस कर रहे हैं। कैमल रिसर्च सेंटर से हम 10 किलोमीटर आगे आए, यहाँ पर हमने खेत देखे, इनसे मुलाकात करी है, यहाँ पे लोकल हैं। ये हमें ना फार्म दिखाने लेकर आए हैं। तो भाई साहब ये किसके? ये मूंगफली का सर। अच्छा, मूंगफली का घास। ये कैसे? ये नीचे मूंगफली लगी हुई है। हाँ जी, जैसे इसको ये जो अभी इसके फाल चालू हो गया है, चालू हो गया, फाल का मतलब जो है ना बीज बनने लगे है नीचे। अच्छा, और इसमें ये दाने हैं मूंगफली के, देखो ये मूंगफली के दाने। वाह। तो अभी 2 महीने के बाद इसकी कटिंग हो जाएगी। ये जो आगे ये मोट की खेती है, इसमें मोट है, जो इसमें मोट फली बोलते हैं जिसको, जिसके ये दाना आता है, इसमें सूखने के बाद ऐसा हो जाता है, ये जैसे ये दिख रहा ना डार्क कलर, ये कोई बीमारी से जल्दी हो गया है, बाकी अभी कच्चापन जो है ये ऐसे होता है। मेरे एक हाथ में आप मोट का पका हुआ दाना देख सकते हैं, दूसरे में कच्चे दाने हैं और ये मोट की फली है जो आप कुछ पीसेस हाथ में देख रहे हैं। ये थोड़ा वो टाइट होता है, मतलब ये जोर लगाना पड़ता है। हाँ सही कह रहे हो, ये कच्चा दाना खाना आसान है। हाँ, कच्चा आसान। हम तो ये कच्ची फली खा लेते हैं, इसमें विटामिन अच्छा होता है, बहुत ही मस्त आता है, स्वाद बड़ा जोरदार लगता है, मजा आ जाता है। बढ़िया बढ़िया। ये तिल का पौधा है, इसमें ये पहले ये सफेद फूल आते हैं, उसके बाद ये जैसे ये ऐसी फली बन जाती है, फली बनने के बाद इसमें धीरे धीरे पकाव आता है, पकाव का मतलब ये अभी पकने के बाद इसमें अभी तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये, और थोड़ा और टाइम लगेगा तो ये काला हो जाएगा, काला तिल की पौधा है ये, काला तिल। कितना समय लगेगा इसको पकने में? करीबन 1-1.5 महीना लग जाएगा, 1 महीने के बाद कालापन आ जाएगा। कड़वा है अभी, थोड़ा कच्चा है ना, टाइम लगेगा, जो भी चीज को टाइम लगता है ना तो फिर पक्का होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने हमें मूंगफली दिखा दी, तिल दिखा दिया और मूंग दाल दिखा दी, मेरा पहला एक्सपीरियंस। अब ये हमें अपने घर लेके चल रहे हैं जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, गाँव का खाना खिलाने के लिए। गाँव का खाना, मजबूत खाना। बिल्कुल खिलाएंगे आपको। वो हमारा सामने वाला हमारा घर है, वो सही आपका दरवाजा? हाँ ठीक है, वैसे अच्छा है। हाँ। गांव के हिसाब से अच्छा है। वो हमारा सामने वाला हमारा घर है, वो वहाँ रहते हैं हम। वैसे बड़ा मजा आता है, खुले हवा मिलती है ना, खेतों के बीचों बीच इस तरह से खुली हवा।
राम राम जी, राम राम जी, जोर बोल, राम राम जी, राम राम जी। ये मेरी पत्नी है जो खाना बना रहे हैं। हाँ जी, आज कितना खूबसूरत दिन नसीब हुआ है। गांव के बीचों बीच चारों तरफ खेत, हम इस तरह से बाजरे की रोटी का साइज इस तरह से इसका चूरा बना के खाना एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल है। हम लोग अपने घर में भी ग्वारफली खाते हैं, इसके स्वाद में फर्क है। फर्क है मतलब मजेदार है। काचरी और काचरा मुझको दोनों बहुत पसंद आ गए। इस पूरी जर्नी में खाया बहुत कुछ, बट काचरा और काचरी दोनों नंबर वन है। पापड़ की सब्जी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। बड़ी सिंपल प्रिपरेशन है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। मैंने देखा बनते हुए पापड़ को, इन्होंने जो इनका चौका है वहां पर थोड़ा सा रोस्ट किया, उसके बाद बेसिक से मसाले डाले और उन मसालों के ऊपर उसका चूरा बना के डाल दिया। चूरा मतलब थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया। मेरे को ना सिंपल खाने के अंदर दिन प्रतिदिन मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। राजस्थान छोड़ने से पहले ये मजा तो मैं मिस नहीं करना चाहता था घी के साथ। फिर ना जाने कब नसीब हो इस तरह का कॉम्बिनेशन। घी ने समा बांध दिया है, मतलब स्वादिष्ट कर दिया। आपका कड़ी वैसे बड़ी स्वाद। अच्छा, एक चीज मैंने भी नोटिस करी जब ये बना रहे थे, तो दही इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, छाछ इस्तेमाल करी। दूसरी बात, इसमें बेसन नहीं डाला गया। बेसन की जगह इन्होंने डाला बाजरे का आटा। ये चीज डिफरेंट है। आपको दिखाने के लिए ना मैंने काचरी इनसे मंगवा लिया, कच्चा पक्का ये ग्वारफली के साथ बनाया गया। बाजरे का सोगरा, घी, मजा यहां पर सफर करने का। राजस्थान टूर की एंडिंग बीकानेर में इस जगह पे होना हम लोगों के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है। ट्रस्ट मी, इस समय जो मैं एंजॉय कर रहा हूं ना, ये मैं कितना भी खर्चा कर दूं मैं नहीं कर सकता। यहां बैठना, खेतों को फील करना, नेचर का एहसास, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस बीकानेर से या राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाई साहब आपका स्पेशल धन्यवाद, आपकी मैम का भी धन्यवाद। आप मेरी तरफ से बोलना और अभी चलकर मैं उनको थैंक्स करता हूँ। बहुत बढ़िया खाना और आपने आज हमारा ये पूरी ट्रिप की जर्नी बहुत अच्छी एंड करवा दी। सही है, सबका जॉब संजोग होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। Thanks for your time.